बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, उसकी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है 2.4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अक्सर जो उनका लॉन्ग क्वेश्चन है, 100% जो उनका लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज में से आता है। तो बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह आप देख लें, ये एक्सरसाइज आपने पूरी अच्छी तरह तैयार करनी है। तो बच्चों, इसका मैंने जोज नंबर 2, 1, 2 पहले लेक्चर के अंदर कर लिया। जोज नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बच्चों, हम इसको हल करेंगे। पहले सबसे पहले बच्चों, ये देखो ना, ये पावर के साथ, ये सारे की पावर है। हम लहदा लहदा हर हर वेरिएबल के साथ, लहदा लहदा पावर के साथ ज़रब कर देंगे। बच्चों, ये बेस की पावर है, ये पावर होल की पावर है। बेस की पावर, होल की पावर आपस में क्या होती हैं? ज़रब। बच्चों, ये बेस की पावर, होल की पावर आपस में क्या होती हैं? ज़रब। हर हर रकम के साथ अलहदा अलहदा पावर क्या कर देंगे? ज़रब कर देंगे। वाई की पावर -1 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह बच्चों, जी की पावर -4 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह बच्चों, ओवर आ गया, एक्स की ताकत 4 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह बच्चों, वाई की ताकत -3 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह बच्चों, जी की ताकत 0 मल्टीप्लाई -3। तो बच्चों, ये इस -3 पावर को ये तमाम पावर के साथ क्या कर देंगे? ज़रब कर देंगे। क्योंकि बच्चों, ये बेस की पावरें हैं और ये होल की पावर है। बेस का मतलब क्या है? एहसास। ये एहसास की ताकत है और ये होल की ताकत है। एहसास की ताकत, होल की ताकत आपस में क्या होती हैं? ज़रब। तो बच्चों, ये एक्स इसी तरह आ गया, नफी नफी जमा 2 3 6 आ गया। इसी तरह बच्चों, वाई आ गया, 3 1 3 आ गया, नफी नफी जमा हो गया। इसी तरह बच्चों, ये जी आ गया, नफी नफी जमा हो गया, 4 3 12 आ गया। ओवर, एक्स की ताकत 4 3 12 माइनस का 12 आ गया। तो बच्चों, ये वाई की ताकत नफी नफी जमा 3 3 9 आ गया। बच्चों, 0 को जब -3 के साथ ज़रब करेंगे तो जी की पावर 0, जी की ताकत 0 आ गया। इसी तरह बच्चों, अब हमने क्या करनी है? पावर पॉजिटिव को रखना है। तो बच्चों, बेस क्या आ गई? सेम। बच्चों, ये जी की ताकत कितनी हमारे पास? -12। इसी तरह आ गया ओवर। तो बच्चों, ये बेस क्या होगी? सेम। तो बच्चों, ये एक्स की पावर 6 है। बच्चों, ये बेस क्या होगी? सेम। एहसास क्या होगी? सेम। ये पावर नेगेटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव की। इसी तरह बच्चों, ये जी की पावर 12। इसी तरह ओवर। तो बच्चों, ये वाई की ताकत हमारे पास 9 है, ये ताकत प्लस का 3 है, नीचे आके पावर क्या आ जाएगी? माइनस की 3। बच्चों, ये प्लस की पावर 3 है, ये नीचे आके पावर इसके साथ क्या आ जाएगी? माइनस। तो ये जी की पावर 0 हमें पता है किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो बच्चों, हमारे पास एक्स की पावर 6 प्लस 12 हमारे पास 18 आ गया, और जी की पावर 12 ओवर वाई की ताकत 9 में से -3 करेंगे, 6 आ जाएगा। तो बच्चों, ये क्या था हमारा फाइनल आंसर? तो बच्चों, जोज नंबर 3 था। अब करेंगे इसका जोज नंबर 4। क्योंकि बच्चों, हमने ताकतें हमेशा पॉजिटिव के अंदर रखनी है। बच्चों, इसका जोज नंबर 4 हमारे पास, 81 की ताकत n ज़रबे 3 की ताकत 5, -3 की ताकत 4 n -1, और 243 ओवर हमारे पास 9 की ताकत 2 n, इसी तरह 3 की ताकत 3। बच्चों, सबसे पहले जो उनसे बड़ी रकम है ना, 81 आ गया, 243 आ गया, 9 आ गया। सबसे पहले बच्चों, इनकी क्या कर लेंगे? तज्जी। सबसे पहले आपने 81 की तज्जी करनी है 3 के टेबल पे। 3 2 6 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसी तरह बच्चों, हम 243 की कर लेंगे 2 3 के टेबल पे। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3।
तीन कमे तीन आ गई बच्चों। तो बच्चों और हमें यह भी पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4, 3 की ताकत 4 ऊपर n। इसी तरह बच्चों मल्टीप्लाई 3 की ताकत 5 माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 की ताकत 5 ओवर बच्चों ये इसको लिख सकते हैं 3 की ताकत 2 ऊपर 2 n और 3 की ताकत 3। तो बच्चों क्या करेंगे, 3 की बेस की पावर होल की पावर आपस में जरब 4 n आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की ताकत 5, इसी तरह बच्चों ये माइनस आ गया, ये 3 की ताकत 4 n माइनस 1, तो ये ताकत इसके साथ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस 5। बच्चों बेस बेस क्या होगी, सेम, तो ताकतें क्या हो जाएंगी बच्चों, जमा। इसी तरह बच्चों ये ओवर आ गया, 3 की ताकत 2 दुनी 4, 4 n आ गया और 3 की ताकत 3, तो बच्चों ये मसावी। इसी तरह 3 की ताकत 4 n मल्टीप्लाई 3 की ताकत 5, इसी तरह बच्चों यहाँ पर आ गया माइनस 3 की ताकत 4 n, माइनस का 1 है प्लस का 5 है प्लस का 4 आ गया ओवर 3 की ताकत 4 n। बच्चों बेस क्या होगी, सेम, पावरें क्या कर देंगे, जमा। 3 की ताकत हमारे पास प्लस 3 आ गया, 4 n प्लस 3, पावरें जमा कर देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास बेस क्या होगी, सेम, तो बच्चों मैं 3 की ताकत 4 n प्लस 5 माइनस 3 की ताकत 4 n प्लस 4 ओवर 3 की ताकत 4 n प्लस 3, 4 n प्लस 3। बच्चों बेस क्या होगी, सेम, पावर जमा। इसी तरह बच्चों ये अब बच्चों मैंने क्या करना है, 3 की, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 की ताकत 4 n प्लस 5 प्लस 4 और 3 की ताकत 1। बच्चों ये ताकत जमा करेंगे तो ये 5 ही हो जाएगा। इसी तरह बच्चों माइनस बच्चे 3 की ताकत 4 n प्लस 3 और 3 की ताकत 2। बच्चों ये पावर 5 थी ना हमारे पास, इस तरह लिख दिया हमें, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 3 की ताकत 4 n प्लस 3 और 3 की ताकत 1। बच्चों ये 4 पावर है ना, 1 पावर अलहदा कर देंगे ओवर बच्चों हमारे पास 3 की ताकत 4 n प्लस 3। बच्चों ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, बच्चों ये स्टेप अच्छी तरह समझ लें, ये पावर 5 थी ना, मैंने 4 n प्लस 3 फिर 3 की पावर 2 अलहदा कर दी, प्लस करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। बच्चों ये 3 की ताकत 4 n प्लस 4 थी, मैंने 3 की ताकत 4 n प्लस 3 और 1 पावर मैंने अलहदा तोड़ के लिख दी। इसी तरह बच्चों ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 3 की ताकत 4 n प्लस 3 कॉमन आ गया, यहाँ पर 3 की ताकत 2 माइनस 3 ओवर 3 की ताकत 4 n प्लस 3। बच्चों ऊपर से मैंने मुश्तरक ले लिया क्योंकि मेरे पास 3 की ताकत 4 n प्लस 3 बच्चों यहाँ पर भी है मौजूद, यहाँ पर भी मौजूद है, मैं यहाँ से दोनों में से एक कॉमन वैल्यू ले लूँगा, ये वैल्यू कैंसल, 3 की ताकत 2 आ गया, ये दरमियान वाला माइनस आ गया, बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसल, 3 की ताकत 1 आ गई, बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल। तो बच्चों हमारे पास तीन तीन 9 माइनस 3, बच्चों 9 में से -3 करेंगे 6 आएगा। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 2, बच्चों इसके अंदर हमने साबित करवाना है, सवाल नंबर 2 है, साबित करें बच्चों हमने क्या करना है, साबित क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर
तो बच्चों मैं क्वेश्चन क्या दे दिया, एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी सारे होल की ताकत ए प्लस बी, इसी तरह ज़रबे एक्स की ताकत बी ओवर एक्स की ताकत सी सारे होल की ताकत बी प्लस सी। बच्चों इसी तरह ज़रबे एक्स की ताकत सी नीचे एक्स की ताकत ए सारे होल की ताकत सी प्लस ए इक्वल टू वन के बराबर। बच्चों हमने क्या साबित करवाना है, लेफ्ट का इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से हमारा जो उनका जवाब है ना वो बच्चों वन के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से हमारा जवाब वन के बराबर आना चाहिए। हम यहाँ से कौन सी ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। बच्चों बेस क्या होगी, सेम, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। बच्चों बेस क्या थी, सेम, ये पावर बी प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का बी हो गया, बेस सिर्फ एक ही रह जाएगी। बच्चों इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए, देखो ए की पावर एन अलहदा है, ए की पावर एम अलहदा है, बेस क्या आ गई, सेम, तो पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो बेस एक रह जाएगी, मल्टीप्लाई। इसी तरह बच्चों एक्स की पावर बी, ये ऊपर जाके पावर नेगेटिव की होगी, ज़रबे एक्स की पावर सी माइनस ए, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस की, ऊपर पावर बी प्लस सी, ऊपर पावर सी प्लस ए। बच्चों बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों बेस की पावर होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। इसी तरह बच्चों बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। बच्चों बेस क्या थी, सेम पावर ज़रब, बेस सेम है। बच्चों बेस की पावर होल की पावर आपस में ज़रब, बेस की पावर, ये बेस की पावर है, ये होल की पावर है सारे की। बच्चों ये एहसास की ताकत और होल की ताकत आपस में क्या होती हैं, ज़रब। तो बच्चों हमें पता है, हमें ये भी पता होना चाहिए ए का स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर। बच्चों ये जो सा फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपने ये भी अच्छी तरह याद रखना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर है। अब यहाँ पर फार्मूला, एक माइनस का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर है, एक माइनस का जोड़ा है एक प्लस का जोड़ा है, तो हम कर देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई एक्स की ताकत बी स्केयर माइनस सी स्केयर मल्टीप्लाई एक्स की ताकत सी स्केयर माइनस ए स्केयर। बच्चों ये दो फैक्टर, एक मनफी का था एक प्लस का फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, ये दो जोड़े थे, एक मनफी का जोड़ा है एक प्लस का जोड़ा है, अगर इनको ज़रब करने से बच्चों ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनता है, ए का मरबा माइनस बी का मरबा बनता है। तो बच्चों यहाँ पर वो फार्मूला लगा दिया हमने, तो बच्चों बेस क्या होगी, सेम, बेस सेम है, ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। बेस क्या थी बच्चों, सेम, पावरें क्या हो जाएंगी, जमा, तो बच्चों हमारे पास प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, तो बच्चों हमारे पास एक्स की पावर ज़ीरो। तो बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए भी एक्स की पावर ज़ीरो या किसी की भी पावर ज़ीरो किसके बराबर है, वन के बराबर। तो बच्चों बराबर आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर टू था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।